नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने रखा है अगैरो ब्रांड का एक गारमेंट स्टीमर। इस स्टीमर के ज़रिए हम अपने गारमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्टीम बहुत ही आसानी से आयरन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या ये हमारे कन्वेंशनल जो आयरन है उससे ये बेटर है कि नहीं। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास है अगैरो ब्रांड का गारमेंट स्टीमर, तो इसको मैं इस कपड़े में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी रिंकल्स हो चुके हैं, इसे मैं इस पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो इसके बारे में बता दूँ आपको, यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है इस नीचे की तरफ, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो इसका ये जो वाटर टैंक है ये बाहर आ जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा पाइप भी लगा हुआ है जो कि ग्रेविटी के साथ घूमता रहता है नीचे की तरफ। तो इसका फायदा ये है कि इस स्टीमर को आप वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली हर तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ओपनिंग है, इसे अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो ये जो पानी है इसे आपको फिल्टर या आरओ वाटर ही डालना है, जो कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा हुआ है। तो और ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो ये ओपनिंग्स हैं काफी वाइड है, जहां से हॉट स्टीम निकलता है। और पीछे की तरफ जब आप इसे पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके एक ब्लू कलर का सिग्नल मिलेगा जो कि आपको कहेगा कि स्टीमर ऑन है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बटन्स हैं, इन बटन्स के माध्यम से हम इस स्टीमर में से अपनी तरह से स्टीम को निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये स्टीम निकलेगा, अगर मैं इसे इस तरह नीचे लाकर लॉक कर देता हूँ तो स्टीम ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली निकलता रहेगा। और ये इसका कॉर्ड है, आप देख सकते हैं ये जो कॉर्ड इन्होंने दिया है ये एक 3-पिन कॉर्ड इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसे हमें पावर कनेक्शन से लगाना पड़ेगा जिससे कि ये काम करता है। कंपनी कहती है कि 40 सेकंड्स के अंदर ये स्टीमर रेडी हो सकता है, पर मैं आपको कहूंगा कि एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक इसे ऑन रखिए। और जब आपका स्टीम इस मैक्स लेवल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्किंग है इस वाटर टैंक में, यहाँ पर मैक्स करके लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका मिनिमम है। तो पानी कभी भी इस मिनिमम लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए और मैक्स लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग है। अभी हम इसकी एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं इस शर्ट के ऊपर। तो मैंने इसे कुछ नहीं, मैंने अपने से एक कबर्ड के ऊपर हैंगर में लटका दिया है कुछ इस तरह से। कन्वेंशनल प्रेस में आप क्या करते हैं, इसे टेबल में रख सकते हैं। तो इसे आप कन्वेंशनल प्रेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, जहां पर ये जो सिरेमिक का जो ये हेड है ये गर्म हो सकता है, इसे आप क्रीच भी अपने कपड़ों पर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये काम करता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देखने वाले हैं कि मैं इस टैंक में अभी इस पानी को भरने वाला हूं अपने इस ऑटोमेटिक पंप के जरिए। इस पंप को मैंने अमेजोन से खरीदा था। तो सबसे पहले इस कवर को मैं निकालता हूं कुछ इस तरह से और इसे अंदर डाल के मैंने इसे ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो पानी का लेवल है ये मैक्स लेवल तक आ चुका है। तो आइए अभी इसे अपने स्टीमर के साथ अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो टैंक है, वाटर टैंक है, मैं इसे इसमें लगाने वाला हूँ कुछ इस तरह से। जस्ट इसे यहाँ पर लेना है और इसे अटैच कर देना, सिंपल एज दैट। और इसको अगर निकालना हो तो ये, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, इस बटन को दबाना है तो ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ इसका मैकेनिज्म है आप देख सकते हैं,
यहाँ पर ये जो है, ये जब प्रेस होता है तभी इससे स्टीम निकलता है, तो काफी कन्वीनियंट है। तो जब ओवरहीट प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है, यानी कि अगर ये सिस्टम ज्यादा हीट होने लगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये प्लग लिया है, इसको मैं अभी इससे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, इसे इस बोर्ड से कनेक्ट किया जाए। तो ये जो तार है, मैं इसे पहले इस प्लग में लगाता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक कोई लाइट नहीं जला है। तो इसे स्विच को ऑन करता हूँ मैं, तो देखते हैं, देख सकते हैं आप, स्विच ऑन होने के साथ साथ यहाँ पर ये इंडिकेटर लाइट जल चुका है, जो कि कुछ इस तरह से है। और कंपनी जैसे कहती है कि 40 सेकेंड के बाद ये इसमें से जो पानी है गर्म होने लगता है और स्टीम निकलने लगता है। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ और प्रेस करके देखते हैं एक बार। तो जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो एक वाइब्रेशन की साउंड मुझे आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, पर मैं स्टीम को देख सकता हूँ जो कि निकल रहा है। चलिए इसे दूसरे एंगल से देखते हैं। तो मैं इसे प्रेस करता हूँ तो जो स्टीम है काफी फोर्स के साथ आप देख सकते हैं निकल रहा है, और एक हिस का साउंड भी आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसे लॉक करके देखता हूँ। तो मैंने इसे लॉक कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टीम काफी फोर्स के साथ निकल रहा है। तो आइए इसे गार्मेंट में टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से आयरन करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उससे पहले बता दूं कि ये एक इन्होंने ब्रश दिया था, तो इस ब्रश को भी हम लगा सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और इसके साथ आपको बता दूं कि इन्होंने मुझे लिंट ब्रश नहीं दिया, क्योंकि मैंने दो बार, एक बार रिप्लेसमेंट भी किया था तो उन्होंने मुझे लिंट ब्रश नहीं दिया। तो जब मुझे पता चला कि इसका क्या ऑप्शन है, तो उन्होंने मुझे इसके बदले में ये ग्लव्स दिया है। ये आप ग्लव्स देख सकते हैं, ये आपके हाथ को प्रोटेक्ट करेगा। एक ही पेयर, कोई पेयर नहीं दिया उन्होंने, एक ही ग्लव दिया है मुझे, जो कि यहाँ पर है। ये वुल का बना हुआ है कुछ इस तरह से। और ये जो अटैचमेंट है ये इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले मैं इस ग्लव्स को अपने हाथ में पहन लेता हूँ। इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, पर इसका जो प्राइस है, जो कि ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का पड़ा, इसके हिसाब से इसका जो पावर है मुझे काफ़ी सही लगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इसे मैंने पहले ऑर्डर किया था, उसके बाद क्योंकि उसमें ये लिंट वाला अटैचमेंट नहीं था, जबकि अमेजोन के जो साइट है, वेबसाइट है जहाँ पर ये बेच रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ था कि इसके साथ दो अटैचमेंट मिलेंगे, एक ये ब्रश वाला अटैचमेंट और एक लिंट अटैचमेंट। तो लिंट अटैचमेंट नहीं था, पर उसके बदले उन्होंने मुझे ये ग्लव्स दिया, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो आइए मेरे इस गारमेंट पर टेस्ट करते हैं। और कंपनी कहती है कि ये इसे किसी भी तरह के कपड़ों पर हम यूज कर सकते हैं, जो कि काफी इजी रहेगा आपके लिए, और जलने का कोई चांस नहीं है क्योंकि स्टीम है। अगर आप आयरन प्रेस को रख देते हैं उसे थोड़ी देर के लिए और कहीं और चले जाते हैं, तो वो आपका गारमेंट जलने वाला है। तो इसके साथ ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो
तो इसका जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूं, क्योंकि पानी का टैंक इसी में है, तो इसके वजह से ये जो स्टीमर है ये थोड़ा सा हैवी है, तो ये एक प्रॉब्लम रह सकता है। पर आप इसको हॉरिजॉन्टली भी क्योंकि यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। और जो ये जो पार्ट है इसका ऊपर वाला, ये मैं अभी फील कर सकता हूँ, ग्लव्स पहना है, ये काफी गर्म हो रहा है। तो अगर इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में आपको जानना हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अपने गारमेंट को अभी टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस स्टीमर को कुछ इस तरह से यूज करने वाला हूँ। तो मैंने इसे एक जस्ट नॉर्मल घर के हैंगर में इस कपड़ों को कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर हैंग किया है, और मैं इसके ऊपर कुछ ये ग्लव्स मैंने सेफ्टी के लिए पहना है, तो कुछ इस तरह से इसे मैं आयरन कर रहा हूँ। और ये मैं आपको बता दूं कि कन्वेंशनल आयरन के बदले अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मेरा काम काफी जल्द हो रहा है। मैं आपको इसको क्लोजअप में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसके रिंकल्स जाते हैं। तो मैं बता नहीं सकता कि मेरा कैमरा किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है, पर मैं अपने आंखों से देख सकता हूं कि ये काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है ये जब ओवर हीट होता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और जब ये ज्यादा ठंडा होने लगता है तो फिर इसे ऑटोमेटिकली इसका जो सर्किट है इसे ऑन कर देता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी भी तरह के सरफे मतलब क्लोथ यानी कि कपड़े के टाइप पे ये काम करेगा। आप इसे उल्टा कर कर भी आसानी से इस कपड़े को यहां से आप रिंकल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका जो कॉन है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा था कि ये कुछ ज्यादा ही हैवी है, तो आपके हाथ बहुत सारे कपड़े वॉश करते वक्त दर्द दर्द कर सकता है। तो मेरे लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है, उन्होंने एक ही ग्लव्स दिया है, मेरे ख्याल से एक और हाथ को उन्होंने छोड़ना नहीं चाहिए था, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए था। तो आपको अलग से इस ब्रश की अगर जरूरत हो तो आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा। और एक और जो प्रॉब्लम है, ये जो पानी है आप देख सकते हैं कि काफी जल्दी खत्म होने वाला है, तो इसको रिफिल करने के लिए आपको बार बार फिल्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो एक टैंक है इससे आप अपने एक शर्ट और एक पैंट को बड़ी आसानी से इसको आप यूज कर सकते हैं आयरनिंग करने के लिए। और आप एक और जो पॉजिटिव चीज है इसकी ये है कि आप इसे बड़ी ही आसानी से ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कहीं भी आप इसे ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो शर्ट है अभी कुछ इस तरह से ये पूरी तरह से आयरन हो चुका है, तो मैं इसे देख सकता हूँ कि पहले से काफी बेटर इसका आयरनिंग हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से है। तो ये जो प्रोडक्ट है मैं इसे रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद सकते हैं। बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे कंपनी का ये प्रोडक्ट इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो आपका चॉइस है, आप किसी भी कंपनी को ले सकते हैं। मुझे इस प्रोडक्ट के साथ 1 ईयर की वारंटी मिली है, और जब मैंने बॉक्स को अनबॉक्स किया तो मुझे एक कार्ड मिला जिससे मैं इसे 6 महीने और एक्सटेंड कर सकता हूँ, यानी कि टोटल 1.5 साल का मुझे वारंटी कवर मिला। तो ये काफी अच्छी सी चीज है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा।
और मेरे इस चैनल पे नए आए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।